नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुरुग्राम। इस बार हम बात करेंगे साइबर सिटी की बदहाल सब्जी मंडी की, उस सब्जी मंडी की जहां से होते हुए सब्जियां आपके किचन तक पहुंचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सब्जी मंडी के हालात क्या हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे पास सत्य प्रकाश कश्यप जी हैं, चेयरमैन हैं मार्केट कमेटी के। हमारे पास कर्नल सुखविंदर सिंह राठी जी हैं, इनेलो से हैं। हमारे साथ कांग्रेस से गजय कबलाना जी हैं और हमारे साथ सब्जी मंडी एसोसिएशन से के महासचिव संजय सपरा जी भी हैं। आज हम एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जिस सब्जी मंडी से जो सब्जियां आपके यहां तक पहुंचती है उसकी हालत कैसी है। क्या वो जो सब्जियां हैं जब आप खाते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए वो बेहतर और आप शौक से उसे खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किस गंदगी किन हालात से होते हुए वो आप तक पहुंचती है? वही एक तस्वीर उस साइबर सिटी की सब्जी मंडी की आज दिखाएंगे और हमारे साथ मेहमान भी है यहाँ, बाकी लोग भी। और सबसे पहले एक नज़ारा यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वो सब्जी मंडी है। ये सब्जी मंडी किसी दूर दराज के गांव की नहीं है, ये साइबर सिटी, आइकन सिटी, मिलेनियम सिटी, गुरुग्राम की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। और नज़ारा यहाँ साफ देखा जा सकता है, कीचड़ से लबालब यहाँ सड़कें भरी हुई है, बदबू इस कदर आ रही है वो हम आपको समझा नहीं सकते हैं। लेकिन जो हालात है उसे देखकर शायद आप एहसास कर पाए कि यहाँ से कितनी बदबू उठती होगी। और जो भी लोग हैं उन सभी को अनुरोध मैं करूँगा कि एक बार हम सब्जी मंडी के बीचों बीच चलेंगे और वहाँ पर इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे और बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले संजय जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ की दिक्कतें क्या हैं? क्योंकि सबसे पहला सवाल यही है कि जो गंदगी का ढेर है वो बहुत ज़्यादा, इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत है? मेन जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब ये मंडी तोड़ी गई 10 महीने पहले, प्रशासन ने बोला 6 महीने में बना देंगे। अगर वो मंडी बन जाती है तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सबसे मेन उसके अंदर हमारा डस्टबिन का प्रपोजल था, वो अपना शौचालय का प्रपोजल था, तो सारी चीज़ें उससे हमारी खत्म हो जाएंगी अगर वो बनती है तो। चलिए, यानी कि यहाँ डिमांड एसोसिएशन की ये है कि यहाँ एक सब्जी मंडी के लिए कंस्ट्रक्शन की जाए, एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, प्रॉपर तरीके से मंडी बने, और जिसके लिए करीब 8 महीने पहले आश्वासन भी दिया गया था लेकिन करीब 6 महीने का वक्त मांगा था, 8 महीने का वक्त हो चुका है। कश्यप साहब, चेयरमैन हैं आप मार्केट कमेटी के, बीजेपी से भी जुड़े रहे हैं, लंबे समय से जुड़े रहे हैं। स्वच्छता अभियान की बात की जाती है, तमाम तरह के अलग अलग जो है आपकी तरफ से अभियान चलाए जाते हैं कि स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, सारी चीज़ें अच्छी हो, लेकिन ये जो सब्जी मंडी है इसकी हालत देखकर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है हालात इस कदर है कि उनको बयां करना भी बड़ा मुश्किल? नहीं, बयान करना कोई बड़ी बहुत नहीं है। एक तो ये जो मौसम है जो फिलहाल आज की स्थिति में है, ये 3-4 महीने बारिश के जो समय होता है, इसमें सब्जी मंडी में स्वाभाविक तौर पर थोड़ी सी और दिन से ज़्यादा गंदगी बढ़ जाती है। लेकिन हमारा प्रयास बहुत सख्त आदेश देकर और हम भी खुद मेहनत कर रहे हैं कि भाई सफाई का अभियान हम शुरू करें। जहाँ तक सवाल ये है कि एक जो हमारे यहाँ कॉमन प्लेटफार्म जो बनने जा रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था हो रही है, क्योंकि जब भी कोई काम डेवलपमेंट का होता है तो उससे दिक्कतें आती है। यहाँ हमने हमारे मंत्री राव नरबीर जी ने भी बैठकर और सब ने ये करके इन जहाँ ये जो आड़ती थे इनको उठा के हमने दूसरी जगह भेजा और हमने इसको काम शुरू करने के लिए बात आ गई। देरी है, कुछ हुई देरी मैं मानता हूँ, लेकिन देरी का कारण था कि पहले जो प्रोजेक्ट बना इसका वो टीन शेड का बना था। इस गंदगी के साथ जो ये देरी है, कहीं ऐसा ना हो ये महामारी में तब्दील हो जाए? ये तो इतना तो ये है कि जब से मंडी ये चल रही है उससे हुआ है, लेकिन ये सरकार आने के बाद और मैं चेयर बनने के बाद हमने यहाँ सफाई कर्मचारियों को बढ़ाया है। सर, वो तो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सरकार आने के बाद अभूतपूर्व बदलाव जो हुआ है, वो कायाकल्प जो किया गया मंडी का, वो दिख रहा है इसकी दुर्दशा देखते हुए। गजय सिंह जी, हम बार बार ये बात करते हैं कि अभी 3 साल के आसपास का समय हुआ है बीजेपी सरकार को प्रदेश में, लेकिन इससे पहले 10 साल तक आपकी सरकार थी और ये हालात आज के नहीं बने हुए, पहले भी थे। एक्सपेक्टेशन जाहिर सी बात है बीजेपी सरकार की वो है, उनकी जिम्मेदारी उन्हें करना चाहिए, लेकिन आपके दौरान भी कुछ किया नहीं गया, हालात तब भी ऐसे ही थे आज भी वैसे ही हैं। एक्चुअली क्या है, 2 साल पहले आर्ट दी एसोसिएशन के सभी भाइयों ने मेरे को बुलाया था जब ये तोड़ने की बात आई थी,
तो मैंने कहा था कि पहले बनाओ उसके बाद तोड़ो इनको, लेकिन ये सारी मंडी तोड़ दी गई और दो साल से कोई भी काम नहीं हुआ। सर दो साल से तो नहीं हुआ, दस साल में आपने क्यों नहीं किया? पहले सफाई व्यवस्था इतनी बुरी नहीं थी, बहुत बढ़िया थी। चेयरमैन साहब जैसे कह रहे हैं ना, मैंने पहले भी ये कहा था कि पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी कर लो उसके बाद तोड़ो, नहीं तो समय लग जाएगा। वही इसी बात में दो साल लग रहे हैं, नहीं तो पहले टेंडर कर देते फिर तोड़ते तो 10 दिन बाद काम शुरू हो जाता। ये गंदगी अभी 3 साल से है, पहले भी रहा, पहले संगमरमर लगा हुआ था? नहीं नहीं था, तो ऐसी यही हालात था। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, आपने भी देखे हैं और आपकी भी सरकार रही थी उस दौरान भी यही स्थिति थी। टीचर देखिए, आपको भी शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा कि किन हालात में हम आपको घुमा रहे हैं, लेकिन हम ये तस्वीर सभी को दिखाना चाहते हैं, आप सभी पॉलिटिकल लोगों को भी दिखाना चाहते हैं कि जो लोगों के साथ भद्दा मजाक किया जाता है हर बार, उस मजाक को बंद करें, स्थिति को बेहतर की जाए। देखिए किसी भी शहर के लिए 3 मूल चीज़ें होती हैं, पानी, बिजली और सड़क। हम देख सकते हैं इस मिलेनियम सिटी में, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है मिलेनियम सिटी के ना, ये तीनों चीज़ों में कितना बेहाल ये शहर है। अभी बात उसके बाद बात आती है रोटी पानी, रोटी कपड़ा और मकान की। अभी रोटी का जो है ये ब्लेम करना किसी भी सरकार पे कि मैं पहले 10 साल में कांग्रेस ने नहीं किया या उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल ने नहीं किया, तो इसका मतलब ये कोई है कि मैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। अगर नहीं हुआ है तो कहीं से तो शुरुआत होनी है। ये आप देखिए कि कितना गंद यहाँ पे है और ऐसा खाना हम अपने घरों में खा रहे हैं, कितने दुख की बात है। और फिर भी कब तक आप ये टाइम लोगे? और फिर प्रधानमंत्री जी और प्रदेश सरकार भी बोलते हुए थकते नहीं, स्वच्छ अभियान, ये स्वच्छ अभियान का एक आपके सामने जिंदा नमूना है। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि हम ऐसे शहर में, और मिलेनियम शहर है, और वो शहर जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू इस देश को दे रहा है, इस प्रदेश को दे रहा है, उसकी मंडी का ये हाल है। मुझे शर्म। मुश्किलों की बात करें, एक तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ आके एक दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इन हरी भरी सब्जियों को दिखाएंगे। यहाँ गोभी है, शिमला मिर्च है, खीरा है, कद्दू भी है और देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब इनके बिल्कुल साथ की ये तस्वीर देखिए आप, ये वो मंडी है और यहीं पर ये सब्जियां बिक रही है। आप क्या इन हालात में इनको देखने के बाद अपने किचन में रखना भी पसंद करेंगे? खाने की बात तो दूर की है, इस तरह के हालात में रखकर ये सब्जियां बेची जाती है, इस तरह से गंदगी का ढेर लगा हुआ है और ये पूरा खत्ता बना हुआ है और पानी यहाँ इस कदर भरा हुआ है। पानी कब से भरा हुआ है? 1 महीना हो गया, बरसात हुई जब से ही भरा है। हर साल इसी तरह के हालात? नहीं नहीं, इसी साल हुआ है, पहले तो साफ था, जब से मंडी टूटी जब से ये हालात है। तो यहाँ बहुत ज्यादा बदबू भी होती है, परेशानी भी आपके लोगों को आती है, शिकायत करते हैं? हाँ, गंदगी होती है घनी, मान लो हर साल का बात है, ये भरा रहता है गंदगी यहाँ पर। कश्यप साहब, बार बार हर बार आप लोग ये दुहाई देते हैं, आप ये दावा करते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अभी समय हुआ है, फाइलें तैयार हो गई हैं, फाइलें जल्दी पास भी हो जाएगी, लेकिन सर इसका कोई जवाब है? इस चीज का जवाब है, इस तरह की जगह पर अगर सब्जियां बिकेगी कौन खाएगा? हाइजीन के नाम पे क्या मजाक हो रहा है? व्यवस्था तो हो रही है करने की, अब इसको जो है अब इसको हमने खुदवाया, अब इसको इसके ऊपर मट्टी डलवा दे ये भी पूछना नहीं, क्योंकि हमने और करना है। ये तुरंत महीना 20 दिन के अंदर अंदर ही अब ये काम शुरू होने जा रहा है। कभी इससे पहले रेजिडेंट भी आप गुड़गांव के, अभी एक नॉन पॉलिटिकल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, आप कभी यहाँ आए और कभी आए तो इस तरह की हालत थी, और क्या ये हालत देखने के बाद आप अपने घर में सब्जियों को खाते हुए 4 बार सोचने मजबूर होंगे या नहीं होंगे? नॉन पॉलिटिकल कमेंट्स होने चाहिए बतौर एक रेजिडेंट। पहले तो मैं चेयरमैन साहब की बात का जवाब देता हूँ कि फाइल चल रही है, सफाई करवाने के लिए भी फाइल चल रही है क्या? ये हकीकत है और ये प्रूव हो गया है कि ये सफाई के लिए नहीं, नहीं सफाई नहीं, नहीं आप देखिए ना, आपने जवाब दिया तो मैं, ये सफाई के लिए नहीं, ये इसकी वजह से ही गंदगी है कि यहाँ डेवलप होनी है, और डेवलपमेंट जब भी कहीं भी होगी डेवलपमेंट में थोड़ी सी बहुत दिक्कत आएगी। देखिए बहाने तो बहुत मिलते हैं, काम करना बहाने बनाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है, और इतना बड़ा काम नहीं कि जिसके लिए आपको फाइलें चाहिए या आपको कोई एक्सक्यूज है। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बी आर सोल्जर। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अभी प्रूव हो गया है कि ये बीजेपी सरकार फेकू सरकार है,
बहुत सारे वायदे करते हैं, ग्राउंड पे जीरो है। और ये क्यों नहीं है, ये काम करने वाली सरकार है, ये जीरो है। यहाँ तक सिर्फ कौन फेंक रहा है, कौन कर रहा है, किसने किया, ये हालात देखकर हम समझ रहे हैं ना। पहले ये काम दिख रहा है जो बीजेपी, ये दिख रहा है पीछे, देखो यहाँ देखो। सफाई के लिए कोई टेंडर नहीं चाहिए, सफाई कर्मचारी इतना बुरा हाल, 2 साल पहले मैं आया था तभी बीजेपी सरकार थी, इतना बुरा हाल नहीं था जो आज के दिन। संजय जी क्या रीजन है? जो कारण ये है कि ये जो तोड़ी गई ना, उसकी वजह से ये गंदगी हुई, और यहाँ भी ये नीचे भी ये गंदगी उसकी वजह से नहीं सर, मिट्टी विट्टी सब यहाँ से। अच्छा सर एक चीज बताइए, हम हर चीज के लिए ना ब्लेम सरकार सिस्टम को करते रहेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं बतौर रेजिडेंट, बतौर एसोसिएशन प्रतिनिधि, कहीं ना कहीं आपके हमारे भी जिम्मेदारी है, हम अपने आसपास के इलाके को साफ करें। हर दुकानों के बाहर अपनी ही जगह को अगर हम साफ करते तो शायद इसका अपने आप ही कायाकल्प हो जाए। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं? इसमें प्रशासन को भी सोचना चाहिए, कोई डस्टबिन लगवाए, कुछ इस तरह से करे, मंडी तोड़ के डाल दी। सर डस्टबिन कितने का आता है, खुद से लगा लीजिए, प्रशासन तो मान लीजिए नहीं, वो कुछ करना चाहता है, स्वच्छता अभियान के बस लंबे लंबे दावे करेगा, फाइलें बनाएगा, करोड़ों रुपए खर्च कर देगा, कहाँ खर्च कर रहा पता नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन खुद से भी कुछ करेंगे या नहीं? हमारे शॉप कीपर भी इतने अवेयर नहीं है, ये भी सही बात है, इतने अवेयर नहीं कितने हैं। और आज आप यहाँ पे ग्राउंड पे गिन के देख लीजिए, अगर 10% भी मिल जाए वो, हकीकत ये है, ये सारा एक जो ये जो नमूना है ये करप्शन का एक तस्वीर है आपके आगे। छोटा सा कमेंट यहाँ ले लेता हूँ, ये भी यहीं आती है और उसके बाद दूसरी जगह चलेंगे, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। माननीय भाऊजी बात ऐसी है, 2003 में हमने अमंडी में दुकान ली थी, 2003 से लेकर 17 चल रही है, 14 साल तक से वही कंडीशन चलती आ रही है जो आज आप देख रहे हो भाई। समय अब हमें जल्द से जल्द ये मंडी बनाई जाए और ये बहसबाजी के मुद्दे सब खत्म किए जाए भाई। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, अब हम किसान भाई, यहाँ के किसान भाई, एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी जो साइबेरी सिटी मानी जा रही है पूरे वर्ल्ड में, इस मंडी को जल्द से जल्द बनाई जाए, ना कोई तरक ना बरक। और ये बड़ी तकलीफ है कि हम लगातार बात करते हैं, दावे करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम नहीं करते, क्योंकि ग्राउंड की जो स्थिति है, जो अभी हम देख रहे हैं और जो आपको दिखा रहे हैं वही स्थिति है। हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं लेकिन जहां से ये सब्जियां होकर हमारे किचन में पहुंचती है और जिन्हें हम हेल्दी समझ कर खाते हैं, माना कि कुछ सब्जियां बॉयल होने के बाद उसमें कुछ भी अगर जर्म्स हैं या कुछ दूसरी चीजें वो खत्म हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी ये सब्जियों में हम सलाद के तौर पर खाते हैं और उन्हें हम किसी साबुन से या वॉशिंग पाउडर से नहीं धोते हैं, सिर्फ पानी से धोते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियां उनके साथ हमारे शरीर के अंदर जा रही है। एक जगह हमने आपको दिखाई, इसके अलावा एक ये तस्वीर मैं यहां दिखाना चाहता हूं। हर चीज सिस्टम के ऊपर, सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर डालना भी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी। यहां अगर कोई रेहड़ी लगाकर खड़ा हुआ है, वो अगर ये पत्ते यहाँ पर डालेगा, इन्हीं पत्तों को अगर वो किसी पॉली बैग में डाले तो शायद वो कचरा ना फैले। तो कहीं ना कहीं जागरूक यहाँ लोगों को भी होना होगा, हर बात के लिए आप जिम्मेदार सरकार को नहीं कर सकते हैं। संजय जी हमने सरकार की कमियों की बात कर ली, हमने प्रशासन की कमियों की बात कर ली, लेकिन ये तस्वीर वो है जो आपकी और आपके एसोसिएशन की खामियों को दिखाता है। नहीं सर, हमारे व्यापारी भाइयों की कमी है, अगर ये जो भी इकट्ठा होता है इसको एक पॉली बैग में डाल दे और वो जो ठेकेदार अपने ट्रॉली लेके आए वो डाल दे, वो इनको कई बार कह चुके हैं लेकिन ये मानते ही नहीं है, और हर बंदा नीचे गिराता है और वो क्या आके अपने हाथों से साफ करे, क्या करे वो, उसको एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली के अंदर वो बोलता है कि नहीं। लेकिन क्यों नहीं आप जागरूक करते हैं सबको कि वहाँ एक पॉली बैग लगाया जाए, आप खुद से एक इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं? ये आप एक देखिए, हम अपने एक चीज मानते हैं कि व्यापार हमारे लिए पूजा है, मंदिर है, और ग्राहक हमारे लिए भगवान है, हमारी एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है जो हम एक लंबे समय से व्यापारी वर्ग हमेशा इसको मानता भी है, लेकिन क्या हम कर क्या रहे हैं अपने भगवान के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपने उस कर्म स्थल के साथ हम कर क्या रहे हैं? 500 लोग हैं, किस किस को समझाए, 5 को समझाते, 10 को समझाते, 20 समझाते, फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मानिए कि एसोसिएशन भी इस मामले में कमजोर है। कश्यप साहब आप लोग भी क्यों नहीं चालान करते? कभी कभी हम चालान भी करते हैं, ये नहीं कि हम चालान ना करते, कभी कभी का नतीजा दिख रहा है सर, ना आप उठवाते हैं ना इन्हें गिराने से रोकते हैं। उठाने का ये है कि जो सुबह का वक्त होता है या भीड़ का वक्त होता है, आपने समय भी वही चुना, दोनों समय ऐसा है कि भीड़ सुबह के टाइम तो इसमें बुहारी देना भी बड़ी कठिनाई आती है, इसलिए हमारा जो सफाई कर्मचारी है सुबह दोपहरी में शाम 11 बजे जो है वो शुरू करता है इसको बिल्कुल साफ करने। ये आप
उठाओगे इसको तो ये सब। आपने एक बात कही थी कि एक ही जगह पर हम एक ही तस्वीर दिखा रहे हैं, इसलिए मैं दूसरी जगह भी आया, ये दूसरी तस्वीर भी हमने देख ली, यहाँ भी यही हालत है। और इस असल में क्या है कि इससे आगे हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे कि बाकी और क्या होना चाहिए मंडी में, क्योंकि स्वच्छता के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करता हूँ कि इस मिलेनियम सिटी की जो मंडी का अपना हाल दिखाया और सभी हरियाणा वासी देखेंगे। सफाई व्यवस्था में चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अधिकारी भी है, सफाई व्यवस्था तो इतनी बुरा हाल है, यहाँ महामारी फैल सकती है। देखो बिल्डिंग बनने में ये कह रहे हैं टेंडर हो रहा है, जो हो रहा है, कुछ भी एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन जो सफाई है ये रात को भी की जा सकती है, अगर दिन में ज्यादा भीड़ है तो रात को कर सकते हैं। वो जो पीछे में एक कमेंट चाहता था आपसे नॉन पॉलिटिकल, वो रह गया, सिर्फ वो ही दीजिए। इन हालात को देख के आपका एक बार मन नहीं होगा कि यार खाना ही छोड़ देते हैं? देखिए मैं इस मंडी में एक बार आया था कोई एक डेढ़ साल पहले, उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए थे कि मैं इस मंडी में नहीं आऊँगा। उस टाइम भी इसका यही हाल था, ठीक है, शायद बुरा हो, ठीक। अभी हम इन गरीब आदमियों को, ये ठेली वालों को हम ब्लेम कर देते हैं, चेयरमैन साहब ने भी उनको ब्लेम कर दिया, औरों ने भी उनको ब्लेम कर दिया, मगर हकीकत है जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो कहते हैं जी हमें इतना दुख होता है कि ऐसी गंदी सब्जियां हम उनको चमका के पैक करके आपके घरों में भेजते हैं। कहीं ना कहीं उनकी कॉन्शियस है, ये नहीं कि उनकी कॉन्शियस नहीं है। आप ग्रूम क्यों नहीं करते? आपने क्या इनिशिएटिव लिया? क्या आपने कभी उनका कोई सेमिनार किया? क्या आपने कभी उनको एजुकेट करने का काम किया? क्या सेमिनार किया? मैंने सभी रेहड़ी वालों को बुलवाया, जब भी मैंने ज्वाइन करी सारे रेहड़ी वालों को बुलवाया और सब रेहड़ी वालों को मैंने कहा है कि भाई आप जो है हमारा जो कर्मचारी आता है, जब ट्रॉली आती है तो वो जो आपका सड़ा है गड़ा है पत्ते निकालते हो वो उस ट्रॉली में गेरो, उसके बावजूद आप अपनी रेहड़ी के नीचे एक जो है पल्ली नीचे बांधो, आप डस्टबिन नहीं है उस पल्ली को नीचे बांधो। एक तस्वीर एक बार जरा हम रेहड़ी के नीचे ही देख लेते हैं, पल्ली है या नहीं है यहाँ, इधर उधर भी देखिए, शायद उधर एक ने लगाई हुई है, शायद ये कुछ जागरूक हैं। और हम ऐसे लोगों को की तारीफ भी करेंगे कि आप लोग जो अभी ये काम कर रहे हैं, सारा जो कूड़ा आपने बिखेर दिया है, क्यों नहीं इस कूड़े को कहीं एक जगह समेट के रखते हैं उसी वक्त, ताकि वो उड़कर दूसरी जगह ना जाए वो गंदगी। सर ये प्याज के काम है, यहाँ तो छिलका उड़ता ही है हवा में, क्या छिलका अगर उड़ता है तो उसको उड़ाए ना उसको आप अच्छे से। सर इकट्ठा करके हम कूड़ेदान में डाल देते हैं। बता रहे कूड़ेदान पीछे वो जो खट्टा बना हुआ है? हाँ जी हाँ जी, इकट्ठा करके उसमें डाल देते। यानी कि जो गंदगी का एक पहले से ढेर बना हुआ है वहीं पर ही इस कूड़े को डालकर और गंदगी बढ़ा दी जाती है। एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, कश्यप साहब एक बार आइए थोड़ा सा, और ये देखिए एक लॉन्ग शॉट, मेरे जो कैमरा पर्सन है प्रदीप, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लॉन्ग शॉट प्रदीप यहाँ पर आप दिखाइए कि कितना कूड़ा, शायद ये जो सफाई है काफी समय से नहीं हुई है, और वहीं ये सब्जियां रखी हैं, ये सारी चीजें। थोड़ा सा इधर भी हम आएंगे, बड़ा मुश्किल है यहां से निकलना, लेकिन लोगों को हम ये तस्वीर ये सच्चाई दिखाना चाहते हैं। अब ये देखिए ये एक तस्वीर है, ये साइबर सिटी की सब्जी मंडी है, जिस सब्जी मंडी से हमारे घरों में खाना पहुंचता है वो एक तस्वीर है वहां। ये स्थिति तो हमारे देश में है, हमारे देश में लोग जागरूक होना ही नहीं चाहते हैं, जहां हम खाते हैं, जहां हम खाने की चीजें बेचते हैं। शायद ये तस्वीर हम दिखाना टीवी पे ना दिखा पाए, लेकिन लोग जो है खुद भी नहीं सुधरना चाहते हैं। कश्यप साहब ये तो दूसरी जगह है मंडी की, यहाँ दूसरी जगह है, ये आज जो सुबह है, जो सुबह सफाई हो रही थी, जितना समय है जो वहां से लगा के जो गोड़ी से। सर सीधे तौर पे एक चीज, ईमानदारी से सर एक चीज ईमानदारी से, ये एक दिन या दो दिन या तीन दिन का कचरा नहीं है, एक दिन का ये आज ये इकट्ठा किया है, ये आज का है, वो उसको ये आज का है, ये आज गोड़ी। आप मानते हैं कि एक ही दिन में अगर इस कदर कचरा इकट्ठा हो जाता है, आप इसको एक दिन का कचरा मानते हैं तो हम आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन हमें यकीन हो नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से कीचड़ यहाँ बनी हुई है, इस कीचड़ से चलना ही बड़ा मुश्किल है। और अब एक और स्थिति यहाँ समझने की जरूरत है सब्जी मंडी के अंदर, कि गंदगी तो है ही, और उस गंदगी की तस्वीर हमें आपको दिखाई, लेकिन एक सबसे बड़ा हालात जो है, कोई पार्किंग की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी जो समय है वो करीब 11:15 बजे का समय है, और अगर यही 8 बजे या उससे पहले का समय हो तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है,
तो एक व्यवस्था होनी चाहिए कश्यप साहब की, जहां लोग सामान जब लेने के लिए आते हैं उनके पास इतना स्पेस हो, वो अपनी गाड़ियों को निकाल पाए, क्योंकि जाम बहुत ज्यादा लग जाता है। कोई व्यवस्था है उसके लिए फ्यूचर में? यहाँ जो है हमने शौचालय के पास पार्किंग बना रखी है, पार्किंग में वहाँ गाड़ियाँ। अब ये छोटी रेडी वाला नहीं लेते हैं, ये इसलिए यहाँ आ जाते हैं, हम भी एक भी सुविधा के लिए अपने आप हो जाता है और ठीक उससे चल रहा है काम। अब जैसे जैसे धूप पड़ेगी, जैसे जैसे ये सूखेगा और सफाई उसकी आपको हो जाएगी। अगर आप बारिश के टाइम में नहीं आता तो आपको इतनी नहीं दिखती। मैं भी महसूस करता हूँ कि बारिश में कहीं भी पूरे हिंदुस्तान की कोई भी सब्जी मंडी हो, सब्जी मंडी बारिश में एक्स्ट्रा थोड़ी सी गंदगी आ जाती है। फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, एसोसिएशन के भी उसने कहा है कि कुछ ये जो रेहड़ी वाले हैं ये नहीं है। आपने, मैंने पहले कहा कि मैंने इनको हिदायत दी थी कि भाई आप नीचे पल्ली लगाओ, आपने उसमें देखा है कि एक आदमी ने लगा बार किए, कुछ नहीं है इससे। आप ये बताइए, आप यहाँ इतनी अच्छी सब्जियाँ बेच रहे हैं, धनिया भी है, गाजर भी है, बैंगन भी है, तोरी भी है, पालक भी है, लेकिन बिल्कुल पीछे आपके बहुत ज़्यादा कचरा है। आपको दुख नहीं होता है कि आप अपने ग्राहकों को, अपने लोगों को एक ऐसी जगह सब्जियां रख के बेच रहे हैं जहां गंदगी का ढेर लगा हुआ है? ये तो दुख तो होता ही है, गंदगी का दुख तो होता ही है, ग्राहक भी नहीं आते हैं, बदबू होती है ना इस वजह से। खुद से भी कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? नहीं है, जो हम यहाँ से कचरा करते हैं वो आग डाल देते हैं, वो ले जाते हैं उठा के डंपर वाले। और क्या क्या दिक्कत है, और किस तरह की दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं है, वो ले जाते हैं उठा के, अभी आइए जैसी भी जैसे कचरा करते हैं आगे उठा ले जाते हैं। अच्छा सर, बाकी अगर सुविधाओं की बात करें, जैसे मंडी बनी हुई है पूरी लोगों के लिए, पानी की बात कर लें, पार्किंग की बात कर लें, ये सब क्या व्यवस्था है? यहाँ पार्किंग है, यहाँ प्याहू है, वाटर कूलर लगा हुआ है, सुलभ शौचालय बनाया हुआ है। यहाँ सुविधा के तौर पर हमने जो है सबको दे रखी है, सुलभ शौचालय भी इसमें है, इसमें वाटर कूलर भी लगा हुआ है, इसमें हमने वो भी बनाया। और जो आपने, मैंने फिर कहा है कि डेवलप में दिक्कत आती है, अब जब ये काम शुरू होगा तो इसका भी जो हमने अब की दफा प्रोजेक्ट बनाया है, ये आगे तक के भविष्य के लिए बनाया है। इसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी, इसमें सारी आगे सारे कार्यक्रम होंगे, ये जो है एक मॉडर्न मंडी बन के दिखेगी। ये बीजेपी ने मेरे ख्याल कांग्रेस का स्लोगन ले लिया है, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते आ रहे हैं, वही स्लोगन है, करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है, अभी चेयरमैन साहब ने बताया 5-स्टार फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, बाथरूम भी है, कूलर भी है, बेहतर ये है कि आप वहाँ पे ना जाइए, और पोल खुलेगी, ठीक है, और वहाँ भी चले, और भी पोल खुलेगी। हकीकत ये है, जो चीज़ मैटर करती है, जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका ये हाल है। वॉशरूम में जाके क्या उसका सब्जी धोनी है? संजय जी, एक आखिरी सवाल, जो पीछे तोड़े गई थी जो शेड्स बनी हुई थी, और क्या कब तोड़ी गई थी, उस दौरान क्या वादा किया गया था, किस तरह की शेड्स मिलेगी, और उस वादे की स्थिति क्या? लगभग नवंबर में तोड़ी गई थी पिछले साल की, तो वादा ये किया था 10 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा और 6 महीने में आपको मंडी हम हैंड ओवर कर देंगे, जो कि आ जाती है, क्या हाल है। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा प्रशासन से, ये जो टेंडर की रकम है ना, कम से कम इसको डबल हो करें, कम से कम, क्योंकि ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये अमाउंट बहुत कम है, मंडी बहुत बड़ी है, ये मंडी भी है, उसके साथ वो मंडी भी है, तो उसका मेरे हिसाब से कभी भी किसी तरीके से वो सफाई कर ही नहीं पाएगा। कम से कम डबल ट्रिपल हो जाए तो मैं कह, बहुत अच्छा होगा, नहीं तो डबल तो होनी चाहिए, इससे वो इससे कम में काम कर ही नहीं पाएगा, जो मेरे को लगता है। जो पर्सनल बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो एक तस्वीर आपको दिखाई है हमने कि किस तरह से गंदगियों का ढेर लगा, और गंदगी का ढेर नहीं लगा है, सीधे तौर पर ये कहें कि ये मंडी जो है गंदगी के अंदर बसी हुई है, गंदगी के अंदर बनी हुई है, और जिस तरह से सब्जियां और ये बाकी सब चीज़ें रखी जाती है, वो एक 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 बड़ी तकलीफ देह ये स्थिति है कि वहाँ कीचड़ पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये सारी सब्जियां हैं, और हम फिर उस सब के बीच ये बात करते हैं कि हाइजीन होना चाहिए, सब्जियां साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब अगर ये स्थिति अगर हम देखते हैं, कितना ही आप साफ़ कर लीजिए इनको, उसके बावजूद भी वो गंदगी रह जाएगी, क्योंकि हम इसे सिर्फ पानी से धोते हैं, हम किसी वॉशिंग पाउडर या किसी दूसरी ऐसी चीज़ से नहीं धोते हैं कि इसमें जो गंदगी लग गई है, जो बीमारियां इसमें पनप रही है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और जब तक इसको हम नहीं करेंगे, आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि साइबर सिटी गुड़गांव की जो सब्जी मंडी से आपके किचन तक सब्जियाँ आ रही हैं, वो किस तरह की आ रही हैं, ना केवल वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर डालेगी, बल्कि सीधे तौर पर आपके साथ धोखा भी है। और सवाल बार बार यही है कि ना पहले वालों ने कुछ किया था,
ना ये कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस सरकार से उम्मीद ये करते हैं और एक अपील भी करते हैं, क्योंकि ये सब्जियां सभी के घरों तक पहुंचती हैं, जो अधिकारी हैं उनके घर तक भी पहुंचती हैं, जो मंत्री हैं उनके घर तक भी पहुंचती हैं, और उनसे अपील करते हैं कि स्थिति को जल्द से जल्द बेहतर करें। फिलहाल वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।